विद्यार्थियों, आप सबों को सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती जीके जीएस के 10 डोज में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग विज्ञान के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, जो कि आपने पढ़ रखा है, सिर्फ उसी का हम लोग रिविजन करेंगे। आप एक एक प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और देखेंगे ध्यान आप दिए कि 10 प्रश्न आपको कितना याद था, कितना आपके स्मृति में मस्तिष्क पर यह बना हुआ था। क्योंकि सबसे जरूरी है कि पढ़ा हुआ तो सारा प्रश्न आप लोगों का, लेकिन आपको याद है कि नहीं याद है, ये जरूरत है। क्योंकि एग्जाम आपका आफ्टर 6 महीना बाद, 7 महीना बाद, 6 महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद होता है, और हम जो पीछे से पढ़ते हैं उसको भूलते जाते हैं। तो 10 का डोज रिविजन का ही काम कर रहा है आपके लिए, रामबाण परीक्षाओं में जीके जीएस का काम करेगा। तो देखेंगे आज का पहला सवाल हम लोग को दिया गया है कि सीसा का निष्कर्षण उत्तर किसे किया जाता है। बिल्कुल हक का सवाल है, आप सभी जानते होंगे गैलेना एस्के से। किसे किया जाता है? गैलेना एस्के से। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है, तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस पूछेगा तो कौन हो जाएगा? जीनॉन। और अक्रिय गैस का टोटल संख्या पूछेगा तो आप बोलेंगे 6। अक्रिय गैस टोटल कितना है? 6। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होगा। और इस रोग में ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोफोबिया रोग में आपको पिछला वीडियो में बताए दिए थे कि इसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा, रक्त का थक्का नहीं बनता है। सोना किसमें घुलनशील होगा? तो अम्लराज में। सोना किसमें घुलनशील होता है? तो अम्लराज में घुलनशील होता है। प्रासंगिकी शब्द को सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो प्रोफेसर रिटर के द्वारा। प्रासंगिकी शब्द सबसे पहले कौन दिए थे? प्रोफेसर रिटर दिए थे। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाएगा? तो डायनेमो के द्वारा। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाएगा? डायनेमो के द्वारा। डायनेमो ऐसा यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। प्याज और लहसुन में गंध का कारण क्या है? तो पोटेशियम की उपस्थिति के कारण। पोटेशियम की उपस्थिति के कारण प्याज और लहसुन में जो देखते होंगे खाने के बाद मुंह से स्मेल आता है, उसका कारण पोटेशियम की उपस्थिति के कारण है। किस विद्युत चुंबकीय तरंग की आयनन क्षमता सबसे कम होगी? तो गामा किरण का जो आयनन क्षमता होगा वो सबसे कम होगा, और गामा किरण एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय तरंग है। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग करेंगे? तो सिल्वर आयोडाइड का। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग करेंगे? सिल्वर आयोडाइड का। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, यूबिलिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, ये 10 प्रश्न को एक बार फिर हम बोल देते हैं ताकि आपके स्मृति पर बना रहे। सीसा का निष्कर्षण किया जाएगा गैलेना एस्के से। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जीनॉन। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होगा? तो विषाणु के द्वारा होगा। सोना किसमें घुलनशील होता है? तो अम्लराज में घुलनशील होता है। प्रासंगिकी शब्द को सबसे पहले कौन प्रतिपादित किया था? प्रोफेसर रिटर ने किया था। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलेगा? तो डायनेमो बदलेगा। प्याज और लहसुन में गंध का कारण क्या है? पोटेशियम की उपस्थिति। विद्युत चुंबकीय तरंग का आयनन क्षमता सबसे कम होता है, किस विद्युत चुंबकीय तरंग का आयनन क्षमता सबसे कम होगी? तो गामा किरण का। कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग करेंगे? सिल्वर आयोडाइड का। हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जानते हैं? यूबिलिना। किसे जानते हैं? यूबिलिना को। और बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न आप लोगों के लिए दे रहे हैं, इस प्रश्न का उत्तर सभी को कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है और नाम के साथ। आप सभी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, जितने भी विद्यार्थी पढ़ने वाले देख रहे हैं, आप सभी को इसका उत्तर अपने नाम के साथ कमेंट बॉक्स में छाप देना है कि आपने से कितने विद्यार्थी उस प्रश्न का उत्तर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा, आज का आपको प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, पारा के अस्क का नाम बताना है। ध्यान दीजिएगा, पारा के अस्क का नाम बताना है। पारा के अस्क का नाम बताना है कि पारा के अस्क कौन है, ठीक है ना, कि पारा के अस्क का आपको नाम बताना है। क्वेश्चन फिर से ध्यान दीजिएगा, पारा के अस्क कौन सा है या पारा का कौन अस्क होगा, इसका उत्तर सभी विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप वीडियो को देखें, प्रश्नों को रिविजन करते रहें। 10 का डोज जीके जीएस प्रतिदिन 10, लेकिन अगर आप गिनेंगे तो महीना में 300 हो जाएगा, और एग्जाम तक आते आते अगर इसी तरीके से आपका रिविजन रहेगा, 1000-2000 प्रश्न आपके पास रहेगा और एग्जाम में जाइएगा तो वही आपका कॉन्फिडेंस बोलेगा बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।